Hi guys, wish you a very very good morning. This is me Aisha Joshi and you are watching me on the channel of Achievers. So here, as we all know, it is 7th June and Sunday here. So wish you a very very happy Sunday first of all. Now let's start today's the Hindu news analysis. The first news is India's COVID tally 5th highest in the world. लेट मी नो यू कि जैसे जैसे केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, इंडिया जो है वो वर्ल्ड के टॉप 5 में से 5th हाईएस्ट पोजीशन पर स्टैंड करता है. और अगर यही कंडीशन रही ग्रोथ रेट की तो डेफिनेटली हम लोग बहुत जल्दी टॉप 3 में भी आ जाएंगे. सो इट इज़ आर रिक्वायरमेंट टू बी अलर्ट अवेयर एंड वी हैव टू बी अलर्ट अबाउट आर सेल्फ. ओके, अगर हर कोई खुद को लेके अलर्ट हो जाएगा, अवेयर हो जाएगा, तो डेफिनेटली COVID-19 के चांसेस कम हो जाते हैं. और अगर ये चांसेस कम होंगे तो कहीं ना कहीं जो डेटा बढ़ता चल जा रहा है, इवन कुछ एरिया जो कंटेनमेंट जोन है, कुछ कंट्री कुछ स्टेट्स हैं, जैसे कि हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, या हम अगर बात करते हैं कर्नाटका की, केरला की, तो कंटिन्यू केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं ना. सो इट इज़ आर रिक्वायरमेंट कि हम अलर्ट हो जाएं, अवेयर हो जाएं. और उसी के साथ सरकार की भी ज़रूरत है कि जिन जगहों पर केसेस कंटिन्यूस बढ़ते चले जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे एक्शंस जो है इम्पोज करें या स्ट्रिक्टनेस इम्पोज करें, जिससे कि केसेस को कंट्रोल किया जा सके. ठीक है, और हम लोग बहुत ज़्यादा रिस्क पर हैं, ऐसा कहना है WHO एक्सपर्ट्स का. हम लोग अपने सारे मेजर्स को फॉलो करते हुए भी पॉवर्टी के चलते काफ़ी जो है पॉवर्टी, माइग्रेंट्स, ये जो सारे इश्यूज हैं, इन सब के चलते हम टॉप 5th पर आ गए हैं. जबकि आप देखिए कि हम कंटिन्यूस लॉकडाउन पीरियड भी हमने जो है रनअप किया है, या हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी को भी इम्पोज करते हुए चले हैं. लेकिन यदि उस समय में इस लॉकडाउन को प्रॉपरली यूज़ किया जाता और ये जो सारे जो सिचुएशंस है उसे कंट्रोल किया जा सकता था. ओके, द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिजर्व दिल्लीज हॉस्पिटल ओनली फॉर रेजिडेंट्स सजेस्ट गवर्नमेंट पैनल. गवर्नमेंट पैनल का ये सजेशन है कि दिल्ली के जो हॉस्पिटल्स हैं उन्हें सिर्फ रेजिडेंट्स के लिए ही जो है रिजर्व कीजिए. बिकॉज आपको बता दूं कि दिल्ली जो है उसके अंदर अगर यही कंडीशन रही, आउटसाइडर्स को भी अगर अलाउ किया गया हॉस्पिटल्स में जो है रेजिडेंट हॉस्पिटल्स में एडमिट के करने के लिए, तो डेफिनेटली आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर, इवन 3 डेज में ही वो अपनी 100% कैपेसिटी तक पहुंच जाएंगे. इट मींस देयर विल नॉट बी इवन अ सिंगल बेड फॉर एनी इंडिविजुअल. सो अगर यही कंडीशन रही तो बहुत वर्स्ट कंडीशन हो जाएगी दिल्ली की मेडिकल फैसिलिटीज़ की, हॉस्पिटल्स की. सो वहाँ की जो गवर्नमेंट, बेसिकली गवर्नमेंट पैनल का ये कहना है, सजेस्ट किया है उन्होंने कि दिल्ली को दे शुड स्टार्ट कि वो अपने दिल्ली के जो रेजिडेंट्स हैं उन्हीं को हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाए. बिकॉज अगर उन्होंने आउटसाइडर्स को प्रोवाइड करवाई तो वो और भी वर्स्ट कंडीशन में जा सकते हैं. ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज़ इज नो स्टिमुलस फॉर स्टेट्स येट से गहलोत. गहलोत जो है राजस्थान के CM हैं अशोक गहलोत, उनका ये कहना है कि अभी तक स्टेट्स के लिए सेंटर ने किसी भी तरह का कोई स्टिमुलस पैकेज अनाउंस नहीं किया है. फाइनेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया है. तो मैं आपको बता दूं कि मैं कहीं ना कहीं इस बात से थोड़ा सा जो है लीक आउट होती हूँ कि जो अनाउंस किया गया है बजट, क्या वो स्टेट्स के लिए नहीं है? बिकॉज स्टेट्स को मिलाकर ही तो सेंटर बना है, एक कंट्री बनी है. और जब कंट्री के लिए ही एक पर्टिकुलर पैकेज अनाउंस किया गया है तो कहीं ना कहीं वो स्टेट्स के लिए ही तो है एक तरीके से. बट स्टिल हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को कुछ अदर नीड्स हो, तो उस बेसिस पर जो है गहलोत का ये कहना है राजस्थान के CM का कि COVID-19 के चलते, COVID-19 से जो है बचाव के लिए या उससे राहत के लिए स्टेट्स के लिए कुछ पर्टिकुलर स्टिमुलस अनाउंस करना चाहिए सेंटर को, जो अब तक नहीं किया गया है. ठीक है, द नेक्स्ट इज़ इंडिया सोलर फेरी सेल्स इनटू ग्लोबल कॉन्टेस्ट. ग्लोबल कॉन्टेस्ट में आया है आदित्य, वो एशिया को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, गुस्तावे ट्रोवे अवार्ड्स इवेंट में, एंड इट इज़ फ्रॉम केरला आदित्य. So it is a good thing for us. So let's see how much it will get and how famous it will be.
Okay, the next is pregnant woman dies in ambulance after 13 hour search for hospital bed. 13 घंटे तक hospitals में इधर से उधर भटकने के बाद में beds ना मिल पाने के बाद में ultimately एक pregnant woman की जो है ambulance में ही death हो गई. And it is the incidents of GB Nagar. Okay. करीब हाफ डजन हॉस्पिटल्स में घूमने के बाद में उसके अंदर जो है ट्रीटमेंट का मना कर देने के बाद में वहाँ से ना सुनने के बाद में इस महिला ने अपना दम तोड़ दिया. ओके, गौतम बुद्ध नगर की बात हो रही है यहाँ पे. गौतम बुद्ध नगर के अंदर की 13 घंटे तक सर्च के बाद में करीब हम कह सकते हैं जैसा कि हमने देखा ओवर हाफ डजन हॉस्पिटल्स ने जब एडमिट जो है या सीट के लिए या वैकेंट होने की जो है ना होने के कारण जब महिला को नहीं प्रायोरिटी दी उस कंडीशन में उस महिला की डेथ हो गई. ओके, सो अब कहीं ना कहीं ज़रूरत है केंद्र सरकार की, इवन जो कैपिटल सिटी है वहाँ की, कि वहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ मैनेज करना होगा, सिचुएशन को होल्ड आउट करना होगा, अपने कंडीशन को कंट्रोल में लाने की कोशिश करनी होगी. बिकॉज अगर इसी तरीके से चलता रहा तो डेफिनेटली जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उस पर से भी लोगों का भरोसा उठ जाएगा और मेडिकल फैसिलिटीज़ ना प्रोवाइड होने पाने के कारण लोगों को काफ़ी इश्यूज जो है उसको सफ़र करना होगा. सो स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स दोनों की ही ज़रूरत है कि वो एट दिस मोमेंट जो है इन चीज़ों पर फोकस करें. द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ प्रॉपर यूज़ ऑफ कोल माइंस कैन लोअर पॉल्यूशन. ऐसा कहना है सीएम का, चीफ मिनिस्टर जो है महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, उनका ये कहना है कि यदि कोल माइंस को प्रॉपरली यूज़ किया जाए तो पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है. ओके, सो मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली जो है 2 माइंस मध्य प्रदेश में ओपन हुई है और वो जो है चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के अंडर में हुई है, उनके द्वारा इनॉग्रेट की गई है. द 2 अंडर ग्राउंड माइंस इन शारदा एंड ढंकासा हैव इनकर्ड अ टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 849 करोड़. टोटल 849 करोड़ रुपीज़ का जो एक्सपेंडिचर है, टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर वो देखने को मिला है. सो ओवरऑल अगर हम बात करें कि अगर प्रॉपरली यूज़ किया जाए कोल माइंस को तो डेफिनेटली इससे पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है. द नेक्स्ट न्यूज़ इज रोड्स ऑफ 46 विलेजेस येट टू बी रिस्टोर्ड. जैसा कि निसर्गा रिसेंट साइक्लोन हमने जो हिट किया है 46 विलेजेस को हार्म किया है तो उन्हें रिस्टोर करने की ज़रूरत है. तो अभी भी 46 विलेजेस जो है उनकी रोड्स को और उनकी फैसिलिटीज़ को, अदर फैसिलिटीज़ को रिस्टोर करने की ज़रूरत है. रायगढ़ कलेक्टर ने व्हाट्सएप हेल्पलाइन लॉन्च की है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को रिस्टोर करने के लिए करीब 55 लाख कंज्यूमर्स की नीड है. तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो बहुत जो है सरकार द्वारा बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, बहुत सारी ऐसे फील्ड हैं इन इफ़ेक्टेड एरियाज़ में, 46 विलेजेस में बहुत सारी चीज़ों को पर कार्य करने की ज़रूरत है. ठीक है, 900 odd villages in 13 tehsil whose roads were blocked by felled trees and broken electricity poles. 900 old villages हैं करीब 13 तहसील के अंदर जहाँ पे करीब हर सड़क पे आपको इस तरीके से, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, पेड़ गिरे हुए या जो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स है वो गिरे हुए नज़र आएंगे. तो इस तरीके के बहुत ज़्यादा जो लेवल पे अगर हम बात करें नुकसान देखने को मिला है और इसे रिकवर करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है, जो सरकार द्वारा प्रयास जिसके लिए किए जा रहे हैं. लेकिन उसके लिए ज़रूरत है कि मैक्सिमम लेवल पर लोग उन्हें सपोर्ट करें और सेंट्रल या अदर स्टेट्स भी उन्हें सपोर्ट करें. ओके, द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ हरियाणा जो है वो वर्शिप प्लेसेस और मॉल्स जो है उसे ओपन करने की बात कर रहा है. एंड हरियाणा गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमें जल्दी ही हम लोग वर्शिप प्लेसेस और मॉल्स को ओपन कर देंगे. गुरुग्राम और फरीदाबाद की कंडीशन जो है कंटेनमेंट जोन के अंदर आने के कारण और कंडीशन सही नहीं होने के कारण अभी भी इन्हें बंद रखा जाएगा.
ठीक है। सो बहुत ही रेगुलेटेड मैनर में इन्हें स्टार्ट किया जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 8th of June से ये सारी चीज़ों को वापस नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाएगी, ओके। एंड वर्शिप प्लेसेस और मॉल्स को ओपन कर दिया जाएगा 8th of June से, ऐसी बात की जा रही है हरियाणा के गवर्नमेंट द्वारा। वहीं राजस्थान के अंदर होटल्स और मॉल्स जो है वो 8th June से फॉर श्योर ओपन हो जाएंगे। रिलीजियस प्लेसेस अभी जल्दी से ओपन नहीं होंगे, लेकिन होटल्स और मॉल्स को ओपन कर दिया जाएगा, ओके। रिलीजियस प्लेसेस एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ये जो है ये अभी ओपन नहीं होंगे, ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फॉर्मर दिल्ली पुलिस चीफ वेद मारवा पासिस अवे। चीफ जो रह चुके हैं दिल्ली पुलिस के वो है वेद मारवा, जो कि उनकी वो अब नहीं रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, इन्होंने 3 states के गवर्नर के तौर पर भी सर्व किया है, और इनके सर्विसेज के बेसिस पर इनके लास्ट टाइम ट्रिब्यूट्स जो है ट्रिब्यूट्स गिवर में वाइस प्रेसिडेंट और पीएम भी शामिल थे। सो काफ़ी अचीव्ड पर्सन थे, या हम कह सकते हैं एक लेजेंड पर्सन को हमने लॉस कर दिया है। सो बहुत काफ़ी काबिल तारीफ इनका वर्क रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है। सो लेट्स प्रे फॉर हिम कि आने वाले टाइम में भी ऐसे इस तरह के जो ऑफिसर्स हैं, इस तरह के जो पर्सन्स हैं, उनकी हमें ज़रूरत है, और वो भी आगे जो है देश के लिए काम आए। द नेक्स्ट इज़ एज स्टेट्स प्रिपेयर टू अनलॉक 19 DAI इन तमिलनाडु। जैसे कि स्टेट्स अब प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को अनलॉक करने के लिए, वहीं तमिलनाडु में 19 लोग जो है अपनी जानें गंवा चुके हैं कोरोना के चलते, COVID-19 के चलते। केरला और कर्नाटका काफ़ी हम कह सकते हैं बहुत वर्स्ट जो कंडीशन, या हम कह सकते हैं बहुत बुरी कंडीशन को सर्वाइव कर रहे हैं, और कंटिन्यूसली केसेस पॉजिटिव चले आ रहे हैं। और सरकार द्वारा भी काफ़ी कोशिशें की जा रही है, पर उसके बाद भी जो आउटसाइडर्स हैं, मतलब हम कह सकते हैं जो लोग बाहर से आए हैं यहाँ पे, वे सभी लोग अब लगभग जो है पॉजिटिव देखे जा रहे हैं, और वे उनके कारण या उनसे इफ़ेक्ट या उनसे कॉन्टेक्ट में आने के कारण यहाँ के लोकल लोगों पर भी उसका इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। सो केरला एंड कर्नाटका दोनों ही स्टेट्स को नीड है कि वो प्रॉपरली इस पर वर्क करें, और जो फैक्टर है बेसिकली जो स्प्रेडर्स की कैटेगरी में आ रहे हैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करें, ओके। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ बीजेपी प्रपोजेज 3 names फॉर राज्यसभा। बीजेपी ने 3 names राज्यसभा के लिए दिए हैं। इलेक्शंस 4 सीटों के लिए इलेक्शन होंगे, जो कि 19 June को ऑर्गेनाइज होंगे। बीजेपी ने जो है 4 सीटों में से 3 seat पर जो है नाम ऑलरेडी बीजेपी दे चुकी है, और जो पार्टी की हाई कमांड देखने को मिल रही है, 3 names में से 2 names ऐसे हैं जो बिल्कुल बिना किसी कंपटीशन के, बिना किसी इश्यूज के डेफिनेटली वो जो है इस इलेक्शन में विन होने के चांसेस बनते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ केरला टू टेक ओवर वैकेंट ड्वेलिंग यूनिट्स। केरला जो है वो वैकेंट ड्वेलिंग यूनिट्स को टेक ओवर कर रही है। 7-day इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जो है वो ज़रूरी है NRIs के लिए, डिसीजन लिया गया है सरकार द्वारा, केरला की सरकार द्वारा, ओके। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ टेम्पल्स इन केरला सेट टू ओपन डोर्स टू डिवोटीज ऑन 9th June। जैसा कि आप सभी को पता है कि केरला अपने आप में टेम्पल्स का गढ़ कहा जाता है, और टेम्पल्स में जो रिचुअल्स है परफॉर्म होने वाले वो सबसे ज़्यादा केरला में देखे जाते हैं, है ना, और काफ़ी जो है फेमस भी है वो इस चीज़ के लिए, वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो अब केरला जो है वो 9th June से डिवोटीज के लिए मंदिर के दरवाजे खोल रहे हैं, टेम्पल्स के डोर ओपन कर रहे हैं, और बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग या अदर नॉर्म्स को फॉलो करते हुए ही वहाँ पे डिवोटीज को अलाउ किया जाएगा, और बिल्कुल वेल जो सिक्योर्ड मैनर के अंदर जो है वहाँ पे ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएगी, ओके। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ लेट्स हैव अ लुक टूवर्ड्स, या यूपी लॉन्चेस स्किल मैपिंग ऑफ वर्कर्स। यूपी के अंदर स्किल मैपिंग जो है वो लॉन्च किया गया है वर्कर्स के लिए। बेसिकली गवर्नमेंट हैज़ एंटर्ड इनटू 4 MOUs विद इंडस्ट्री एसोसिएशन। इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ में मिलकर गवर्नमेंट ने 4 MOUs साइन किए हैं, जिसके तहत करीब 11 लाख वर्कर्स के लिए जॉब जनरेट की जाएगी, ऐसा कहना है मिनिस्टर्स का।
ओके रिसेंटली यूपी के अंदर इस तरीके से एक मैप रेडी किया गया है कि जो वर्कर्स जो माइग्रेंट्स के तौर पे जो अदर स्टेट्स में वर्क कर रहे थे उनके लिए इस तरह का मैप प्रिपेयर किया गया है कि करीब 11 लाख जो है वर्कर्स को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा इंडस्ट्रीज़ के साथ में जो है कोलेबरेट करते हुए हम कह सकते हैं इंडस्ट्रीज़ के साथ में जो है डील करते हुए सरकार ने इस तरह का डिसीज़न लिया है। ठीक है सो लेट्स सी कितना देखिए क्योंकि मुझे मैं पर्सनली मैं पहले भी इस मैटर को डिस्कस कर चुकी हूँ मुझे ऐसा लगता है कि राज्य सरकारों को ये ज़रूरत है कि वो अब जो माइग्रेंट्स या जो वर्कर्स दूसरी सिटीज़ या स्टेट्स में रहकर वर्क कर रहे थे और अब अपनी अपनी सिटीज़ में आ चुके हैं। देखिए आजकल इंडस्ट्रीज़ जो है हर तरह की इंडस्ट्रीज या हर तरह की जॉब्स हर जगह पर अवेलेबल होती है तो अगर सरकार थोड़े से प्रयास करे तो उन माइग्रेंट्स या उन वर्कर्स को अपनी ही सिटी में अपनी ही फैमिली के साथ में अपने ही एरिया के अंदर जॉब मिल जाएगी जिससे कि वो फैमिली के साथ भी सर्वाइव कर पाएंगे और उसी के साथ में अपने ही एरिया में इकोनॉमी जनरेट करने का कार्य भी करेंगे राज्य के लिए भी एक अच्छा इकोनॉमी बूस्टअप करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है उसी के साथ में अपने ही राज्य में इंडस्ट्री को बिल्डअप करने के लिए भी अच्छा ऑप्शन है ये उसके अलावा लोगों को अपने एरिया में अपनी फैमिली के साथ में जो है सर्वाइव करने का एक क्योंकि माइग्रेंट्स को लेकर सबसे ज़्यादा इशू देखा गया अभी रिसेंटली तो माइग्रेंट्स जो है वो अपने आप में सबसे ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं और यदि एक ऐसी जो है अब क्योंकि हमारे पास टाइम है एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है ऑटोमेटिकली एक ऐसा टाइम क्रिएट हो चुका है जिससे हम प्रॉपरली यूज़ ले सकते हैं इसी टाइम को अगर प्रॉपरली यूज़ लिया जाता है तो डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट्स अपने लेवल पे अपने स्टेट्स को बेस्ट लेवल पे जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ ले जा सकती है या वर्कर्स या हम कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है उसे कम करते हुए एम्प्लॉयमेंट रेट को डेवलप कर सकती है बूस्ट अप कर सकती है। ठीक है सो स्टेट गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन इट जैसा कि ये यूपी गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है यूपी गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव लिया है वो इस तरह के इनिशिएटिव्स जो है सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ले सकते हैं। द नेक्स्ट इज ब्राज़ील कुड क्विट WHO वॉन्स बोल्सोनारो बोल्सोनारो जो है उनका ये कहना है देखिए ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट है जैर बोल्सोनारो उन्होंने WHO को ये डराते हुए कहा है ये कहा है उन्होंने कि हम जो है WHO के साथ में अपनी जो बॉन्डिंग है या हम कह सकते हैं उनको जो एज अ मेंबर जो हमने ज्वाइन कर रखा है हम उससे क्विट कर सकते हैं हम WHO को क्विट कर सकते हैं। ओके प्रेसिडेंट ने हेल्थ वर्कर्स की ग्रुप से पूछा कि क्या हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत है क्या हम उनके बिना भी आइडियोलॉजिकल वाइज पर जो है रन अप कर सकते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है टोल के थ्रू इस तरह का क्वेश्चन मार्क किया गया मेडिकल जो है हेल्थ वर्कर्स के साथ में एंड दे गॉट अ पॉजिटिव रिजल्ट्स। ओके सो लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन नेक्स्ट द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रेंच फोर्सेस किल अलकायदा का अल्जीरिया लीडर ड्रॉकल को फ्रेंच फोर्सेस ने मार गिराया है और मैं आपको बता देती हूँ ड्रॉकल जो है वो एक एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट है और 2013 के अंदर टेरर अटैक जो हुआ था उसमें जो है इसने इसी का हाथ था उसी उन एक्सप्लोजिव्स के पीछे इन्हीं का हाथ था ये एक्सपर्ट रह चुका है इस क्षेत्र में। ठीक है और फ्रेंच फोर्सेस द्वारा इस तरह इस लीडर को मारना अपने आप में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ कह सकते हैं हम या बहुत बड़ी न्यूज़ जो है आती है सामने। ओके एंड अलकायदा इन द इस्लामिक मगरेब लीडर ड्रॉकल इन एन अनडेटेड फ़ोटो ये देखिए ये जो है पिक्चर दे रखी है इसके अंदर जो पर्सन दिखाई दे रहा है वो अलकायदा का लीडर ड्रॉकल ही है। ओके सो इट इज़ अ गुड वे टू गो फॉर द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ कर्नाटका बैंक रिपोर्ट्स 285 crore फ्रॉड कर्नाटका बैंक जो है उसके अंदर एक प्राइवेट सेक्टर की लेंडर है बैंक जो है कर्नाटका बैंक उसके तहत ये रिपोर्ट किया गया है कि करीब 285 crore का जो है कॉन्सिक्वेंट लोन्स जो है प्रोवाइड किया गया था तो उसके तहत उन्हें काफ़ी DHFL को इंक्लूड करते हुए ये जो लोन्स प्रोवाइड किए गए थे 4 entities में ये बहुत बुरे जा चुके हैं इट मींस काफ़ी फ्रॉडुलेंटली जो है इनको ले जाया गया है इन लोन्स को
तो 8 to 85 crore रुपीज़ का फ्रॉड माना जा रहा है इसके तहत, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू टेक इट। कर्नाटका बैंक की रिपोर्ट है ये। द नेक्स्ट इज़ बैंक लोन्स कॉन्ट्रैक्ट अगेन एज बिजनेस रिमेन्स मोरीबंड। बेसिकली व्हाट इज़ हैपन, बैंक लोन्स जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अगेन जो है बैंक लोन्स के कॉन्ट्रैक्ट्स जो है आगे आ रहे हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं बिजनेस जो है वो कंटिन्यूसली बंद होने की कगार पे है, मरणासन कगार पे है, मतलब ऐसी कंडीशन पे है कि वह सब कोलैप्स होने वाले हैं, उनकी कंडीशंस बहुत वर्स्ट होती चली जा रही है। उस कंडीशन में बैंक लोन्स कॉन्ट्रैक्ट अगेन, ओके, बैंक लोन्स जो है जैसा कि आप सभी देख सकते हैं फोर्टनाइट एंडेड May 22nd, बैंक क्रेडिट श्रिंक बाय 28,683 crores। RBI का डेटा है ये, तो हम कह सकते हैं कि बैंक लोन्स जो है वो एक अच्छा वे साबित हो सकते हैं इस पर्टिकुलर जो है प्रॉब्लम इशू को होल्ड ऑन करने के लिए, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ रिलायंस जियो नेट डेट प्लमिट टू 21,900 crores, ओके, 21,900 crore रुपीज़ का नेट डेट की बात की गई है रिलायंस जियो के अंदर, ठीक है। रिलायंस टू गेट 90% ऑफ रिसेंटली इन्फ्यूज फंड्स, ओके। सो इट वॉज ऑल अबाउट रिलायंस जियो। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज CCMB फाइंड्स चीपर मोर इफेक्टिव RT-PCR मेथड टू टेस्ट COVID-19 सैंपल्स। मैं आपको बता दूँ COVID-19 के सैंपल्स को टेस्ट करने के लिए RT-PCR का एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड जो है फाइंड आउट किया है CCMB ने, ओके। तो बेसिकली है क्या, मैटर क्या है, तो मैं आपको बता दूँ CCMB सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पर बेस्ड है, ये हैदराबाद बेस्ड इंस्टीट्यूशन है, रिसर्चर्स वहाँ के रिसर्चर्स ने एक ऐसा जो है COVID-19 को के सैंपल्स को टेस्ट करने के लिए ऐसा मेथड यूज़ किया है जो बहुत ही चीपर और ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ना। RT-PCR मेथड है ये, और इस मेथड को यहाँ पे देखिए आप इजीली दिखाया गया है, एक्सप्लेन किया गया है सैंपल एक्सट्रैक्शन के बारे में, ठीक है। सो उम्मीद है कि ये आर्टिकल आप पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे कि हाउ इट वर्क्स, ओके। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ या इट इज़ द इम्पॉर्टेंट सेक्शन हियर। द फर्स्ट इज़ ट्रैकिंग गूगल। बेसिकली पिछले कुछ दिनों में काफ़ी जो है हम कह सकते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बेसिस पर काफ़ी जो है गूगल के अगेंस्ट काफ़ी जो है हम कह सकते हैं फाइल किया गया है, काफ़ी नेगेटिव इश्यूज़ देखने को मिले हैं। एंड व्हाट इट इज़ बेसिकली अ प्रपोज्ड क्लास एक्शन लॉ सूट फाइल्ड अगेंस्ट गूगल, गूगल के अगेंस्ट जो है लॉ सूट फाइल किया गया है, और ये जो किया है ये प्रपोज्ड क्लास एक्शन है। एंड गूगल ऑन ट्यूजडे एलिग्स दैट इंटरनेट सर्च जायंट ट्रैक्स एंड कलेक्ट ब्राउजिंग डेटा नो मैटर व्हाट स्टेप्स यूजर्स टेक टू सेफ गार्ड्स देयर प्राइवेसी। द प्लेन देखिए बेसिकली हो क्या रहा है, प्लेंटिफ चेसम ब्राउन एंड मारिया विलियम्स एंड इन लोगों ने मिलकर एक लॉ सूट फाइल किया है, जो वो है मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स के बेसिस पर जो कि गूगल को यूज़ करते हैं, US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैलिफोर्निया के अंदर। बेसिकली उनका ये कहना है कि गूगल जो है वो वायलेट करता है फेडरल वायर टैप लॉ को, ओके, एज वेल एज कैलिफोर्निया की प्राइवेसी लॉज को भी वायलेट करता है। बेसिकली गूगल कर क्या रहा है, प्लेंटिफ्स एलिग दैट Google tracks, collects and identify the browsing data of even those users who browse the web privately via, say, the incognito mode. Incognito mode के अंदर भी जो है privacy के साथ में जो लोग जो है web search करते हैं, वो privately जो web search कर रहे हैं, browse कर रहे हैं, उनके data को भी Google जो है वो हम कह सकते हैं उसको भी ले रहा है या उसके बारे उसको भी आइडेंटिफाई कर रहा है, जो ट्रैक और जो कलेक्ट किया जा रहा है गूगल जो ट्रैक कर रहा है और वो सारा डेटा कलेक्ट कर रहा है जो एक इंडिविजुअल प्राइवेटली जो है वेब को यूज़ करते हुए यूज़ कर रहा है, ठीक है। सो इट इज़ हम कह सकते हैं इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो प्राइवेसी बेस्ड इशू है ये, इनका ये कहना है जिन्होंने लॉसूट फाइल किया है, उनका ये कहना है कि गूगल जो है
वो प्राइवेसी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। और यदि हम अदर वेब यूज़र्स को जो है इनकॉग्निटो मोड के अंदर भी अगर यूज़ कर रहे हैं और बिल्कुल प्राइवेसी सेटिंग्स के साथ यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद में भी गूगल द्वारा वो जो डेटा है उसे जो है ट्रैक किया जा रहा है और कलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, सो लेट्स सी कि क्या इसके अगेंस्ट जो है क्या गवर्नमेंट या जो अथॉरिटीज़ है उनके द्वारा क्या पर्टिकुलर एक्शन लिया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज़ विल बी कवर्ड, आई होप कि जल्दी ही इस बारे में नेक्स्ट न्यूज़ भी कवर की जाए। द नेक्स्ट इज़ ग्रॉस वैल्यू एडेड नंबर्स एंड द इकोनॉमी, इट्स ऑल अबाउट GVA। ग्रॉस वैल्यू एडेड नंबर्स और इकोनॉमी के बारे में बताया है कि कैसे जो है GVA फिगर जो है फोकस में है अभी एट प्रेजेंट, और कैसे ये इकोनॉमिक ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं, कैसे GDP टर्म्स जो है अनाउंस करते हैं इसके तहत, तो कब जो है इकोनॉमिक ग्रोथ के बेसिस पर या इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो GDP टर्म्स को डिफाइन करती है, GVA का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी है। बेसिकली आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, आज का आपका जो होमवर्क है वो इसी पर बेस्ड है, दैट यू आर गोइंग टू टेल मी कि ये कैसे इफेक्ट करता है इकोनॉमी को, GVA क्या है और वो इकोनॉमी को कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू वेट फॉर योर आंसर्स। देन नेक्स्ट इज़ फिगरिंग आउट COVID-19 टर्मिनोलॉजी, COVID-19 जो रिसेंटली आउट हुआ है, जो पेंडेमिक है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात की, की टर्म्स की बात की कि ऐसी कौन सी टर्मिनोलॉजी है जो COVID-19 के लिए यूज़ ली जाती है, और यहाँ पे उस टर्म्स को बताया गया है। तो सबसे पहले आता है COVID-19, हम सभी जानते हैं WHO ने जो है इसको इस पेंडेमिक को COVID-19 के तौर पे जो है बताया गया है। बेसिकली 11 फेब 2020 को WHO ने अनाउंस किया था, एक मिस्टीरियस डिजीज़ चाइना के अंदर फैली हुई है जिसे है कोरोना वायरस नाम दिया गया है, COVID-19 नाम दिया गया है। ठीक है, COVID-19 के बारे में सब कुछ यहाँ पे दे रखा है कि CO स्टैंड फॉर कोरोना, Y स्टैंड फॉर वायरस एंड D फॉर डिजीज़, कोविड इट मीन्स कोरोना वायरस डिजीज़। ओके, एंड 19 जो है न्यूमरिकल जो डेटा है 19, ये रेफर करता है ईयर इन विच द फर्स्ट केस वॉज डिटेक्टेड, 19 के अंदर 2019 में फर्स्ट केस डिटेक्ट किया गया था कोविड का, सो इट इज़ COVID-19। ओके, काफ़ी मुझे उम्मीद है काफ़ी लोगों को ये चीज़ नहीं पता थी तो उनके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। ऐसे ऐसे आर्टिकल्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, और काफ़ी मैं आपको बता दूँ कि प्रीलिम्स बेसिस पर ले लीजिए या मेंस ले लीजिए या कोई भी अदर SSC या अदर रेलवेज या बैंकिंग एग्जाम्स ले लीजिए, तो इसके अंदर ये टर्मिनोलॉजी काफ़ी यूज़ में आती है ना। इस तरह की टर्मिनोलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। सो जस्ट गो थ्रू ऑल दीज टाइप ऑफ ऑल दीज टर्म्स, एंड ये ध्यान रखिए कि ऐसा कोई भी आर्टिकल आता है जो टर्मिनोलॉजी कैरी करता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी क्योंकि रिसेंटली न्यूज़ में COVID-19 है तो COVID-19 से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ओके, द नेक्स्ट इज एपिडेमिक, व्हेन द इंसिडेंस ऑफ अ डिजीज़ राइज अबव द एक्सपेक्टेड लेवल, एक एक्सपेक्टेड लेवल से ज़्यादा बढ़ के एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या जियोग्राफिकल एरिया में कोई जो है डिजीज़ फैल जाती है तो उसे एपिडेमिक कहा जाता है। पेंडेमिक, ग्लोबल पेंडेमिक, जब जो पेंडेमिक है, जो एपिडेमिक है, जो एक जियोग्राफिकल एरिया या एक पर्टिकुलर एरिया से भी ज़्यादा बढ़ के कंट्रीज़ के अंदर स्प्रेड हो चुका है, कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड हो चुका है, तो उस कैटेगरी को जो है पेंडेमिक के उस कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, आर नॉट इज़ अ बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर, रिप्रोडक्शन नंबर है ये, एंड दिस इज द नंबर ऑफ न्यू इन्फेक्शंस कॉज बाय वन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स इन एन एंटायरली, देखिए पर्टिकुलर कोई भी सस्पेक्टेबल पॉपुलेशन है उसके अंदर एक जने की वजह से सारे लोगों को जब फैल जाता है तो उस कंडीशन में आर जो है वो उस नॉट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज को माइक्रोबिडाइट्स, या सॉरी को माइक्रोबिडाइट्स, बेसिकली सेवरल हेल्थ कंडीशंस इंक्लूड अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, माइक्रोबिड, सॉरी मोरबिड एंड या मोरबिडाइट्स, सॉरी
आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग. या सो ओबेसिटी, लंग डिजीज, इन सब डिजीज़ के चलते यदि आपको COVID-19 इन्फेक्शन हो जाता है, क्लिनिकली जो है पुअर आउटकम्स आते हैं, तो उस कंडीशन में कोमोर्बिडाइट्स को यूज़ में लिया जाए. ठीक है. एंड द नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन. ट्रांसमिशन आपको इजीली पता है, जब भी आप स्नीज कर रहे हैं या आप ब्रीद कर रहे हैं या कोई भी रीज़न हो रहा है जिसकी वजह से आपके जो स्मॉल जो हम कह सकते हैं कि ड्रॉपलेट जो जो है या फिर जो हम पार्टिकल्स जो आपके मुंह से निकल रहे हैं, आपकी बॉडी से निकल रहे हैं, वो जब दूसरे पर्सन को टच कर रहे हैं, उसके पास में उसकी एक जो दायरा है उसकी फिजिकल उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर एंटर करते हैं वो ड्रॉपलेट्स या वो वायरस के इन्फेक्शंस, उस कंडीशन में उसे क्या कहा जाएगा, ट्रांसमिशन. ठीक है. एक से दूसरे में ट्रांसमिट होना, इट इज़ ट्रांसमिशन. द नेक्स्ट इज कम्युनिटी ट्रांसमिशन. एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी में ट्रांसमिट होना. कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कॉन्टैक्ट बेसिस पर ये आइडेंटिफाई करना कि कॉन्टैक्ट बर्थ के बेसिस पर जो इन्फेक्शियस पर्सन है उसके कॉन्टैक्ट में आने से जो COVID-19 का खतरा बढ़ जाता है उसे ट्रेस करना, तो ये होता है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग. नेक्स्ट इज सुपर स्प्रेडर, जिनकी वजह से कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से जो ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ये चीज़ स्प्रेड हो रही है, ये वायरस स्प्रेड हो रहा है, तो ये सुपर स्प्रेडर्स हो गए. ठीक है. पॉजिटिविटी रेट, जितने पॉजिटिव आ रहे हैं परसेंटेज जितना बढ़ रहा है, जितने परसेंटेज के बेसिस पर जितने नंबर ऑफ पर्सन इंडिविजुअल्स जो है पर्सन जो है पॉजिटिव आ रहे हैं वो पॉजिटिविटी रेट के अंदर आएगा. परसेंटेज बेसिस पर जब उसे कंक्लूड किया जाएगा तो पॉजिटिविटी रेट होगा. इन्फेक्शन फैसिलिटी फर्टिलिटी रेट. इन्फेक्शन फर्टिलिटी रेट के मतलब है जितना इन्फेक्शन है और जितने लेवल पर जितने नंबर ऑफ जो पर्सन हैं उनकी डेथ हो रही है इस इन्फेक्शन के चलते, तो वो इन्फेक्शन फर्टिलिटी रेट के अंदर आएगा. ओके. केस फर्टिलिटी रेट, कितने केसेस सामने आ रहे हैं, नंबर ऑफ डेथ्स अकरिंग एमंग कन्फर्म्ड केसेज ऑफ COVID-19. COVID-19 के जो कन्फर्म्ड केसेज है उसके बेसिस पर जितने लोगों की डेथ हो रही है वो केस फर्टिलिटी रेट है. ओके. सारी दैट इज़ सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये तो आपको सबको पता है. इसके अलावा साइटोकाइन स्टॉर्म, तो इस तरीके के देखिए सारे के सारे टर्म्स दे रखे हैं, काफ़ी अच्छी टर्मिनोलॉजी को यहाँ पर हमने काफ़ी सारे टर्म्स तो देखे भी हैं, काफ़ी अच्छी टर्मिनोलॉजी को यहाँ पे डिस्क्राइब किया. मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट हो जाता है. COVID-19 से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी आपके सारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है. डेफिनेटली इन टर्मिनोलॉजी में से कोई ना कोई ऐसी टर्म है जो आपके एग्जाम में 100% आएगी अगर COVID-19 पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो. सो इन टर्म्स के बारे में आपको पता होना, इन टर्म्स के बारे में जानना, इन टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है ना. सो जस्ट गो थ्रू दीज टर्म्स एंड हो सके तो इनके नोट्स भी बना लीजिए आप और इनको अच्छे से लर्न आउट कर लेना, क्योंकि मैं फिर बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए. आने वाला कोई भी एग्ज़ाम है, अगर आप उसके कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप बैंकिंग दे रहे हैं, चाहे आप SSC हैं, चाहे आप प्रिपेयर कर रहे हैं NTPC's या रेलवेज़ के लिए, चाहे आप प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, स्टेट सर्विसेज के लिए, सभी के लिए टर्मिनोलॉजी COVID-19 से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है. ओके. द नेक्स्ट इज अ हैशटैग दैट टर्न्ड इनटू अ राइट्स मूवमेंट. एक ऐसा वो एक्चुअली बेसिकली ये बात की गई है US की. US में जो अभी रिसेंटली जो प्रोटेस्ट चल रहा है जिसके तहत एक ब्लैक पर्सन जो है उसकी हत्या कर दी गई है जिसको गवर्नमेंट एक्शन के कारण, तो उसके बेसिस पर जो है इस जो प्रोटेस्ट चल रहा है US में उसके अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो इसके अंदर बताया गया है. ओके. सो ओके, हम कह सकते हैं मैक्सिमम लेवल पर टॉपिक्स को हम यहाँ कवर कर चुके हैं. आई डोंट थिंक दैट इसके अलावा कुछ भी आज के न्यूज़पेपर में कुछ भी ऐसा बच जाता है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. सो व्हाट इज़ द होमवर्क फॉर टुडे. आपको इकोनॉमी जो टॉपिक आज आया है जिसके अंदर हमने ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है उसकी बात की गई है और एडेड नंबर्स और इकोनॉमी की, तो आप मुझे ग्रॉस वैल्यू एडेड नंबर्स के बारे में और इसका इकोनॉमी के क्या ऊपर क्या इम्पैक्ट है ये चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ओके. इसके अलावा इन टर्म्स पर नोट्स बना लीजिएगा इस टर्मिनोलॉजी पर, ये नोट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. ठीक है. वैसे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस आर्टिकल को भी
हमारे अच्छी वाईएस के ग्रुप्स में जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स बन जाते हैं आज के एग्ज़ाम के, आज के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उनको मैं आपके जो हमारा अच्छी वाईएस का जो चैनल है टेलीग्राम चैनल उस पर शेयर कर दूँगी, जिससे कि आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा है ना रिकॉल करना। सो जस्ट गो थ्रू ऑल दीज न्यूज़ आर्टिकल्स, काफ़ी अच्छे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं आज के इस न्यूज़पेपर में, और हमने ऑलमोस्ट सारे न्यूज़ आर्टिकल्स जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं या जो यूज़फुल हैं वो सारे आर्टिकल्स हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट गो अगेन थ्रू ऑल दीज आर्टिकल्स जिससे कि आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ओके, थैंक्स फॉर बींग विथ मी, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून।